नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस पाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ग्वालियर से 60 किलोमीटर दूर भीतरवार स्थित पवाया गांव में धूमेश्वर धाम मंदिर है। सिंध नदी के किनारे स्थित धूमेश्वर धाम की महिमा ही निराली है। बताया जाता है कि आज से 500 वर्ष पूर्व ये मंदिर भूतों द्वारा निर्माण कराया गया था। उसके बाद सिंधिया स्टेट के द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। यहाँ की मान्यता यह है कि जो भी सच्चे मन से दर्शन करने के लिए आता है वो किसी भी बीमारी से ग्रसित हो धूमेश्वर धाम में कुछ ही दिन में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। इसका प्रमाण मंदिर के प्रांगण में भक्तों द्वारा स्वयं बताया गया। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर धूमेश्वर धाम में विशाल मेले का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें खान पान के स्टॉल, झूले और प्रसाद की दुकानें भी लगती हैं। जब हमने धूमेश्वर धाम के महामंडलेश्वर से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर यहाँ पर विशेष आयोजन होता है और यही मंदिर परिसर 24 घंटे शिवधुन अनवरत चालू है। ये सब कालों के काल महाकाल की विशेष कृपा है। चलो आ रही है। पापा हैं बाकी भर भाई साहब। पापा हैं मोरा। महाराज जी, कितने वर्ष पुराना मंदिर है, इस मंदिर की क्या क्या विशेषताएं हैं? ये मंदिर हमारा काफी पुराना है, 5000 वर्ष से पुराना है। यहाँ के ऐसे उल्लेख मिलते हैं, तो यहाँ के सम्मिला है, कई जगह उल्लेख मिला है। बीच बीच में इसके जीर्णोद्धार होते रहे हैं। बीच में यहाँ जीवा क्या कहते हैं, ओरछा नर्स ने भी यहाँ जीर्णोद्धार कराया, सिंधिया घराने भी यहाँ जीर्णोद्धार कराया, और बीच बीच में यहाँ होते रहे। बड़ा प्राचीन सिद्धपीठ है यहाँ। अभी तो बहुत से लोग आज बीच में यहाँ बहुत कैंसर के मर जाते, वैसे मर जाते थे, भगवान के पास जो भी मनोकामना लेके आते हैं यहाँ भगवान पूर्ण होती है। महाराज, ये बताया गया है कि यहाँ इस मंदिर का निर्माण जिन्हों एवं भूतों के द्वारा किया गया है। महाराज इस जी, अब हमने भी ऐसा सुना है। अब अजिंदों का तो जिंद है, अब उनको तो हम कैसे कह सकते हैं, उनके से रहते हैं उन्होंने, हम भी ऐसे ही सुन रखे हैं। लोग बताते हैं ऐसा, मतलब यहाँ आज ऐसा हुआ है। अब उसमें अब जिंदों का कोई इतिहास तो नहीं रहता। अब पहले ऐसे सुनते थे, पहले कई ऐसी जगह घटनाएँ घटी हैं, सुनी हैं ऐसे इधर क्या करना, बाहर भी ऐसे कई जगह किलाओं में, तो ऐसा सुनते हमने भी सुना था। ये लोग बताते ऐसा, बहुत से बताते ऐसे जिंदों ने ऐसा बनाया। जी महाराज, चूंकि ये सिंध नदी के तट पे ये मंदिर स्थित है, इस मंदिर पे कई कैंसर के पीड़ित, कई बीमारियों संबंधित यहाँ मरीज आते रहे हैं, पुराने समय से भी आते रहे हैं। घटी एक बालक से हुआ, आया था, कांवड़ भर के लाए हैं, जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है कांवड़ लेके आते हैं। बहुत तादाद में कांवड़ आती हैं। अब तो क्या लोग कम इसमें जाने आने में थोड़ा परेशान होने लगे लोग। पहले यहाँ भी बीच में तो बोला डाल जाते थे, जैसे कमला आते, अब कम हो गई। खैर वैसे चल के लोग अब जाना आना जैसे कम कर दिया। यहाँ बहुत भीड़ बहुत तादाद में आती है, लोग अपनी मनोकामना को लेकर आते हैं। भगवान तो मनोकामना, भगवान तो वैसे भी शिव हैं और शिव जी तो आशुतोष हैं, और है ना, हमारे शिव जी जो हैं भाभी को बैठने वाले हैं। ऐसे धूमेश्वर भगवान यहाँ वास्तविक उनकी बड़ा आकर के लोग साधनाएँ करते हैं। तो यहाँ के हमारे प्राचीन अपने आप पूजा हो जाती है कई बार। तो यहाँ के क्षेत्र के लोग रहे देखा उन्होंने, अपने आप जल चढ़ा हो जाना, भगवान चढ़ा जाना, हमको हो जाना, ऐसी कई चमत्कार हम देखते रहते हैं हमेशा। ऐसे हमारे धूमेश्वर भगवान हैं, यहाँ सभी लोग आएँ और भगवान की कृपा का देखो। ठाकुर जी के भजन करने से हमें सही कई चीज़ मिलती है, भौतिक भी सुख मिलता है, आध्यात्मिक सुख मिलता है, दोनों मिलते हैं। और अन्य देवताओं में जैसे अब जाति जो हम हमारे सनातन से देव नहीं है, अगर भक्तों के लिए आप और देवताओं हम भजन करेंगे तो आपका कार्य तो कर सकते हैं, और जितने देव हैं वो कार्य कर सकते हैं, कल्याण नहीं कर सकते। हमारे भगवान तो कल्याण भी करेंगे और कार्य भी करते हैं, कार्य के लिए आशीर्वाद देते हैं, कार्य भी करते हैं, कल्याण भी करते हैं। और देव जो इतने काम जो है वो आपको कल्याण नहीं कर सकते, हमारे ठाकुर जी कल्याण करते हैं। हमारे राम जी हैं, हमारे कृष्ण भगवान हैं, मैया हैं, जी हैं, हनुमान जी हैं, ये जो हमारे भगवान हैं वास्तविक भगवान के उसमें आते हैं। कल मेले की क्या तैयारियां रहेंगी महाराज, क्या विशेष रूप से कुछ आकर्षण का केंद्र रहेगा कुछ? जी, यहाँ जो विशेष बहुत तादाद में भक्त आने का अनुमान है, और काफ़ी जोरों से तैयारी चल रही है। प्रशासन भी सख्त है, प्रशासन भी अपनी जगह लगा हुआ, सारी जगह व्यवस्था हम लगे हैं, यहाँ कहीं जो जाम ना लग जाए। पर साल भी यहाँ जाम लग गया था, और हमारी कहीं 2-3 घंटे तक जाम रहा, तो उसको लेकर के चारों वाल चौकन्ना है सारे पुलिसकर्मी, और प्रशासन हमारा पूरे सभी जो लगे हुए हैं प्रशासन की तरफ से भी, और यहाँ से ग्रामीणों की तरफ से भी, हमारे भक्त समाज सारे आसपास के गांव वाले सब लोग लगे हुए हैं जी, और यहाँ की व्यवस्था में लगे हुए हैं। ठीक है, धूमेश्वर भगवान।